धनबाद लोकसभा भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के अथक प्रयासों के बाद शनिवार को पश्चिमी झरिया क्षेत्र के इंदू आउटसोर्सिंग कंपनी मुनीडीह में कार्यरत 400 मजदूरों का काम पर वापस लौटना संभव हो सका। इंदू आउटसोर्सिंग कंपनी मुनीडीह ने विगत 25 जनवरी से अचानक काम को बंद कर दिया था, जिससे 15 सीम परियोजना में कार्यरत 400 मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी की संकट उत्पन्न हो गई, जिस पर बागमारा विधायक डुल्लू महतो के निर्देशन पर मजदूरों द्वारा 29 जनवरी से धरना प्रदर्शन शुरू किया गया तथा कंपनी को चालू करने के लिए ढुल्लू महतो आंदोलन में शामिल होकर BCCL प्रबंधन आउटसोर्सिंग प्रबंधन के बीच विवाद को निपटाने के लिए दबाव बनाया। इसके लिए कोयला मंत्रालय कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन BCCL CMG और आउटसोर्सिंग प्रबंधन से लगातार वार्ता की और उनके अथक प्रयासों से कई चरणों में वार्ता हुई, जिसके परिणाम स्वरूप आज से कार्य को प्रारंभ किया गया। इस मौके पर ढुल्लू महतो 15 सीम इंक्लाइन में उपस्थित होकर कार्य आरंभ किए गए और पूजा में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे गरीब मजदूरों वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए विरोधी उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करा देते हैं। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष का नाम दूसरा ढुल्लू महतो है। संवाददाता मनोज विश्वकर्मा की रिपोर्ट।